क्यों छटपटा रहा है? अच्छा एक मिनट, बस पैसे भी तो हो सकते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? वो अंकल ठीक तो हैं आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अगर तुम नहीं आते ना तो आज तो मेरी जान ही चले जाते। तुमसे पहले एक लड़का मेरा पर्स लेके भाग गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, वरना कुछ लोग तो अरे हमें गिर गया था, मेरा पर्स तक लेके भाग गए हो। तुम मेरे लिए भगवान की तरह हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आज की तारीख में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते अंकल। पता नहीं कौन आदमी था, इतना बेरहम आपको ऐसे तड़पता हुआ छोड़ के चला गया। आपका पर्स चोरी हो गया है ना, तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। नहीं बेटा मेरे, उस पर्स में ही पैसे थे। आप एक काम करिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ आगे तक, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। हेलो हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। अरे चोर, मेरा बैग! चोर चोर चोर, कोई हेल्प करो। साले चोरी करता है। मैम आप ये लीजिए आपका बैग, आज तो मेरे हाथों से बच गया। अगर ये गलती से भी मेरे हाथ में आ जाता ना तो इसे मैं छोड़ता नहीं, सीधा पुलिस के हवाले करता। थैंक यू सो मच, ये पर्स उस चोर से आपने बचा लिया। आपको पता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स चले जाते तो पता नहीं क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं मैम, लेकिन आप आगे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इस एरिया में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। आप शायद यहाँ नए हो क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले कभी देखा नहीं। जी हाँ मैं यहाँ पे नहीं हूँ, एक्चुअली मैं पहले बैंगलोर रहती थी, तो इसलिए मेरे को इस जगह के बारे में पता नहीं था। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जी आगे से ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा अभी मेरे को कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। यार हुकुमचंद, मेरे मन में ना काफी टाइम से एक बात आ रही है। बोल क्या बात है? यार मैं सोचता हूँ कि थोड़ा घबरा जाता हूँ ये बात करने से पहले कि कहीं इस बात का तुझे बुरा ना लग जाए। नहीं यार ऐसी क्या बात है, हम बचपन के यार दोस्त हैं, कह जो कुछ है। सही कह रहा तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवा दूँ। क्या तेरे बेटे की शादी मेरी बेटी से? हाँ यार सुन के बहुत खुशी हुई, क्या तू ऐसा कर सकता है? ऐसा कर सकता हूँ तभी तो तुझसे पूछ रहा हूँ, और मैं काफी टाइम से सोच रहा था ये बात तेरे से करने की, और आज मैंने बात तेरे से कर ली क्योंकि मैं अपने बेटे को मना लूंगा, तू अपने बेटे को मना लियो बस। देख अरोड़ा, अगर यही तेरी इच्छा है तो मेरी तरफ से हाँ समझ। सही कह रहा, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, तू अपनी बेटी से बात कर। ठीक है नितिन, मैं बेटी से बात करता हूँ, तू अपने बेटे से बात कर। वो आता होगा, मैं उससे बात करूँगा, और जैसे ही बात पक्की हो जाएगी तू अपनी बेटी को लेके यहाँ आ जाइए, हम रिश्ता पक्का कर लेंगे। हाँ है ठीक है, तू बैठ मैं भी आ। पापा जी प्रणाम। अरे प्रणाम बेटा, आ गया? हाँ जी। शेखर मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। जरूरी बात? हाँ जी पिताजी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? बेटा मैंने तेरी शादी तय कर दी है। मेरी शादी तय कर दी है? लेकिन पापा जी अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे बेटा वो मेरे दोस्त शर्मा जी है ना, उनकी बेटी है,
बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है, तो मैंने अभी उस लड़की को देखा तो है नहीं, लेकिन मैंने हाँ कर दी क्योंकि वो शर्मा जी की बेटी है, तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी। और रही बात बेटा तेरी उम्र की, तो बेटा ये तेरी बिल्कुल राइट टाइम और सही उम्र है। इसी उम्र में अगर तू शादी कर लेगा ना, तो आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी भी शादी ना तेरी ही उम्र में हुई थी। और आज देख तू सही से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाया और अच्छा पैसा भी कमा रहा है। और शादी बेटा राइट टाइम पे हो जाए ना, यही सबके लिए अच्छा रहता है। ठीक है पापा जी, अगर आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का आप कोई फैसला लेंगे तो वो सही लेंगे। अरे वाह बेटा, मैं डर रहा था तुझसे बात कहने के लिए, लेकिन मुझे आज फक्र है मेरे संस्कार पे कि तूने मेरी बात रख ली। पिताजी इसमें डरने की क्या बात है, अब बच्चे माँ बाप की बातों को नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे, उनका तो फर्ज बनता है कि माँ बाप की बातों को माने और उनकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है बेटा, मैं शर्मा जी को आज ही कॉल कर देता हूँ, वो अपनी लड़की को लेकर कल ही आ जाएंगे, फिर हम तुम्हारी सगाई कर देते हैं। ठीक है पिताजी, आप उन्हें बुला लीजिए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा शर्मा जी से मिलके। ठीक है बेटा, तुझे आराम कर, मैं बात करता हूँ। आ बैठ। अंकल जी प्रणाम। अरे आप अंकल जी। अरे ये तो वही लड़की है हुकुम, ये तेरी बेटी है क्या? हाँ, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे क्या बताऊँ, अगर आज मैं जिंदा खड़ा हूँ ना तो इसी की वजह से। अच्छा। हाँ बैठो बेटा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं कहीं से घर आ रहा था तो अचानक मुझे अस्थमे का अटैक आ गया और मैं सड़क पे गिर गया, और पीछे से एक लड़का आता है, वो मेरा पर्स लेके भाग जाता है। अरे वो तो भला हो इस बच्ची का जिसने मेरी जान बचाई, अगर उस दिन ये ना होती ना तो तेरा यार इस दुनिया में ना होता। खैर वो सब छोड़, ये है मेरा बेटा शेखर। अरे अंकल जी, आपको शायद नहीं पता कि आपके बेटे ने मेरी बहुत मदद करी। वो एक बार मैं रास्ते से जा रही थी तो एक चोर ने मेरा बैग छीन लिया था जिसके अंदर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो इन्होंने ही मेरा बैग उससे वापस लेकर दिया मुझे। अरे वाह बेटा, ये तो वही बात हो गई, कर भला तो हो भला। हुकुम एक बात बता, तू तेरा एक बेटा भी है जहाँ तक मैं जानता हूँ, अरे यार तू उसकी बहुत तारीफ करता है, उससे नहीं मिलवाएगा क्या मुझे? हाँ वो आता ही होगा, नीचे गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। लो आ गया। हुकुम ये तेरा बेटा है? हाँ। तुझे पता है ये वही चोर है जो मेरा पर्स चोरी करके भागा था? क्या क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही लड़का है जो मेरा पर्स लेके भाग गया था। अरे उस दिन तेरी बच्ची ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन तेरा बेटा तो मुझे जान से मारने के फिराक में था। बेटा क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ पापा ये सही बोल रहे हैं, सॉरी पापा मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूंगा इस सॉरी को लेकर, मैं तेरी बहन का रिश्ता इस घर में करने आया था, तूने मेरी क्या इज्जत रखी, मेरी इज्जत तो खाक में मिला दी तूने। भाई नितिन मुझे माफ कर दे, ना जाने मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। अरे नहीं नहीं हुकुम, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक ही डाली पे दो फूल होते हैं, जरूरी नहीं कि वो दोनों एक जैसे ही हों। अंकल अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा अंकल। देखो भाई, बात यहाँ पे माफी की नहीं है, बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके इस गलत काम से आपके पिताजी के सम्मान को ठेस पहुंच रही है, और सोचो ना यार कि तुम्हारे पिताजी की कितनी उम्मीदें हैं तुमसे, कितनी तारीफें कर रहे थे तुम्हारे पिताजी तुम्हारी, और एक ही पल में इनकी सारी उम्मीदें टूट गई। तुम्हें पता है जब माँ बाप की उम्मीदें एक ही पल में औलाद से टूटती है ना, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का पूरा संसार ही उजड़ जाता है। मेरे भाई देखो, जो हुआ सो हुआ, अब पास्ट पर हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि फ्यूचर पे ध्यान दो और कोशिश करना कि तुम ऐसे काम करना जिससे तुम्हारे पिताजी का सर फक्र से ऊंचा उठे, तुम्हारे पिताजी 4 लोगों में चौड़े में कह सके कि ये मेरा लड़का है।
ना कि ऐसे काम करना कि तुम्हारे पिताजी का सर शर्म से झुक जाए। तुम्हें पता है एक औलाद ही होती है जिसके कारण कई बार माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा उठ जाता है, और वो भी औलाद ही होती है जिसके कारण कई बार माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए कोशिश करो कि ऐसी औलाद बनो जिससे माँ बाप को फक्र हो तुम पे, और जिस औलाद की वजह से माँ बाप को समाज में इज्जत मिलती है उस औलाद का नाम पूरे संसार में होता है। बाकी भाई मैं तो यही कहूँगा कि आगे से प्लीज ये सारी चीजें दोहराना मत। ठीक है शेखर, माफ कर देते हैं इसे, अभी बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होगा ना ये नादानियां करना कम कर देगा। हुकुम बैठ यार, बैठ जा बेटा। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है एक ही परिवार में दो बच्चों में अलग अलग आदतें होती है। एक बच्चा काफी सुधरा हुआ होता है, सुलझा हुआ होता है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरा बच्चा बिगड़ा हुआ होता है। तो बेसिक चीज क्या है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे जीवन में सफल होंगे और अच्छा काम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे जिससे इंसानियत को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को भी कोई कदम उठाने से पहले ये चीज सोचनी चाहिए कि उनका एक गलत कदम सिर्फ उनके ही भविष्य को खराब नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं उनके माँ बाप के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। और जब औलाद की वजह से माँ बाप के सम्मान को ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं औलाद का सर झुक जाता है शर्म से, और ऐसे में औलाद का होना या ना होना बराबर होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि एक अच्छी औलाद बने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।